ठीक है, कंटिन्यू करें। जीएसटी वाला टॉपिक अपना टाइम ऑफ सप्लाई चल रहा था। लास्ट बैच में मैंने आपको जो बताया उसमें से आपकी कोई क्वेरी, किसी को कुछ पूछना हो, क्लियर है सारी चीज़ें। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की अपने बात कर रहे थे, तो उसमें सबसेक्शन टू सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, जिसपे अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया। एक बेसिक आपको खाली ओवरव्यू दे देता हूँ तो रिकॉल भी हो जाएगा। हमने वहाँ पे बात ये की कि अगर नॉर्मल चार्ज वाली सिचुएशन है जहाँ पे मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को एक डेट असर्टेन करनी है कि कौन सी डेट पे ट्रांजैक्शन फुलफिल हो गया ये मान लिया जाए, और उसके बेस पे डिपार्टमेंट मुझसे जीएसटी रिकवर कर सके। तो कौन से मंथ में जीएसटी पे करना है, वो चीज़ की क्लैरिटी कहीं ना कहीं उनके माइंड में होनी चाहिए और मेरे माइंड में भी होनी चाहिए ना, कि मुझे कब कौन सा जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। तो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। अब इस सिचुएशन में नॉर्मल चार्ज वाले केस में बेसिक कंडीशन क्या थी, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना एक कंडीशन में आपको लग रहा है। इनवॉइस और पेमेंट वाले केस में भी, इनवॉइस पे भी एक स्टार मार्क है, इंटरनल दो कंडीशन है, और पेमेंट वाले केस में भी एक स्टार मार्क है, वहाँ पे भी दो कंडीशन है। दोनों की बातें हमने की थी। अच्छा, इनवॉइस की जो डेट है वो सब्जेक्टिव है कि भाई ड्यू डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला कि डिपेंड करता है कि गुड्स का रिमूवल हो रहा है या गुड्स सिर्फ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर रिमूवल हो रहा है तो डेडलाइन क्या है इनवॉइस इशू करने की, द डेट ऑफ रिमूवल इटसेल्फ, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए उसी डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। उससे अगर लेट किया तो फिर इनवॉइस वर्सेस पेमेंट नहीं होगा, फिर रिमूवल वर्सेस पेमेंट होगा, ये बात हुई थी। मोमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो रिमूवल की डेट नहीं, फिर हम देखेंगे गुड्स मेड अवेलेबल, ये वाली डेट पर बात होगी और उसको कंपेयर करेंगे फिर हम इनवॉइस के साथ, ये हमने देखा। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट वाले में भी दो कंडीशंस थी। एक क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन मैंने एंट्री की कि आपसे पेमेंट रिसीव कर लिया, और दूसरा बैंक अकाउंट में जिस दिन पैसा एक्चुअली में क्रेडिट हो गया। आया है समझ में? तो ये सिचुएशन यहाँ पे पेमेंट के केस में थी, और फिर हम देख रहे थे इनवॉइस वर्सेस पेमेंट, जो भी है विच एवर इज अर्लियर आपको करना पड़ेगा। आया क्राइटेरिया समझ में? क्लियर हो गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सबसेक्शन टू में देखा। सबसेक्शन फोर में अपने वाउचर वाली बात कर रहे थे, सबसेक्शन सिक्स में अपने इंटरेस्ट वाली बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ तक आपको और कोई कन्फ्यूजन इसमें? क्लियर है इतने पॉइंट्स? आज जो अपने टॉपिक देखने वाले हैं ना वो इसका पूरा रिवर्स है, इसलिए मैंने बोला था कि ये पॉइंट पहले आप क्लियर कर लेना तो आगे बात हो पाएगी। सबसेक्शन टू में जो हमने नॉर्मल चार्ज देखा, वैसे हम सबसेक्शन थ्री में क्या बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्स चार्ज। अब नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट सिचुएशन हैं, क्योंकि एक तरफ नॉर्मल चार्ज में मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज वाले केस में आप खुद जाके जीएसटी सबमिट कर रहे हो। तो जब यहाँ पे सेक्शन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तभी भी वो डिटेल्स जो है वो रिवर्स तरीके से ही जाने वाली है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, सब सेक्शन टू से कंपेयर भी करवा देता हूँ तो आपके माइंड में दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पेज नंबर 39 पे उसकी थियरी दे रखी है, और थियरी से बेटर है पेज नंबर 40 पे डायरेक्टली उसकी एंट्रीज देख लो। ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उन्होंने दे रखा है कि क्या क्या डेट्स होती हैं जिनमें से आपको विच एवर इज अर्लियर करना है। हमें ये पता है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है तो होगा तो विच एवर इज अर्लियर, लेकिन कौन कौन सी डेट्स देखनी है वो पहले कंसिडर कर लेते हैं। देखो जब रिवर्स चार्ज की बात हो रही है तो पहली डेट जो अंडर कंसिडरेशन होगी दैट इज डेट ऑन विच गुड्स आर एक्चुअली रिसीव। अब देखो सबसेक्शन टू से कंपेयर करा रहा हूँ, सबसेक्शन टू जो आपने पढ़ा उसमें क्या था, द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, 1-to-1 आपको कंपेयर करा रहा हूँ कि ऑपोजिट कैसे जा रहा है। वहाँ क्या था, रिमूवल ऑफ गुड्स मैटर करता था, यहाँ क्या मैटर कर रहा है, रिसीविंग ऑफ गुड्स। रिमूव कौन कर रहा था, सप्लायर, रिसीव कौन करता है, बायर। तो क्योंकि रिवर्स चार्ज है ना तो यहाँ बायर की तरफ से ज़्यादा सोचा जा रहा है, नॉर्मल चार्ज में ना सप्लायर की तरफ से सोचा जा रहा था, ये आपको अभी 1-to-1 कंपैरिजन में पता चल जाएगा। आगे दूसरी डेट में क्या बोल रहे हैं, डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स। और यही नॉर्मल चार्ज में क्या हो रहा था, इसका रिवर्स था। मैंने जो आपको सबसेक्शन टू में कल बताया पेमेंट वाली कंडीशन में कि भाई डेट ऑफ पेमेंट में दो चीज़ें क्या देखी जाती है, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई, जिस दिन पैसा क्रेडिट हुआ, किसके अकाउंट्स में एंट्री हुई, बायर के या सप्लायर के, सप्लायर के। जिस दिन सप्लायर ने पेमेंट रिसीव करके अकाउंट्स में एंट्री कर दी पेमेंट रिसीव, वो डेट कंसीडर की जा रही थी। यहाँ देखो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बोला है, यहाँ बोल रहे हैं डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स, अगेन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ऑपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। वहां पे क्या था, डेट ऑन विच द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, यहाँ पे है डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बायर, ऑपोजिट हो गया ना फिर से। ठीक है, अब जो लास्ट एंट्री है वो कुछ नया है, जो वहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था, डिफरेंट है। ये एक एब्सोल्यूट डेट है, ये इन्होंने सेक्शन में ही बोल दिया है, जो हमें ऐसे ही गिननी होगी। यहाँ पे बताया है कि जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसके बाद जो 31st डे होगा वो है ये फोर्थ एंट्री यहाँ पे। ठीक है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाई द सप्लायर। ठीक है,
ठीक है। अब ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि इनवॉइस तो सप्लायर इशू करेगा कि भाई उसने गुड्स बेचा है आपको, उस डेट पे डिपेंड करेगा कि वहां से 31 डेज कितने होंगे। आया समझ में? अब ये 31 डेज गिनना कैसे है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल इनवॉइस का ले लेते हैं, आप ही बता दो क्या डेट आनी चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जो डेट ऑफ इनवॉइस है इट इज 1 जुलाई, दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये डेट है इनवॉइस की तो 31st डे कौन सा होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ऑप्शन भी दे दो, एक 31st जुलाई, एक 1st अगस्त, और कोई ऑप्शन है आपके माइंड में तो बोल सकते हो। दोनों में से कौन सी डेट आएगी, या और कोई तीसरी डेट आएगी? 1st अगस्त, ठीक है। 31 डेज बोला है ना, 31st डे बोला है, ये डेट काउंट होगी क्या, या अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगा? अगले दिन से। तो ये डेट काउंट नहीं होगी, आपका काउंटिंग स्टार्ट होगा 2nd जुलाई से। 2nd जुलाई इज योर 1st डे, समझ आया? ऐसे आपको 31st डे तक जाना है, तो 31st डे आपका आएगा 1st अगस्त। रीजन बीइंग कि 31 का मंथ है ना जुलाई वाला, तो 2nd से लेके 31 तक ये कितने दिन हो गए, पूरे 30 दिन हो गए, और ये हो गया ना 31st डे। समझ आया कैसे गिनना? अब यहाँ पे क्या MCQ भी है और कैलकुलेशन भी है, तो एक एक दिन की मिस्टेक इधर का उधर हो गया तो मंथ चेंज हो जाएगा, वो आप देख सकते हो। अगर ये टाइम ऑफ सप्लाई ले लिया आपने तो पेमेंट अगस्त में करना है, ये टाइम ऑफ सप्लाई आया तो पेमेंट सितंबर में करना है, पड़ेगा ना 1 महीने का फर्क। तो यहाँ एक्यूरेसी की नीड है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 31st डे हमें कैसे गिनना है, ठीक है। डन, ये आपको एग्जाम्पल में भी वहाँ पर नोट करना, आप करके रख सकते हो कैसे गिनना है, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो फिर याद आना चाहिए। देख लो, ठीक है, डन, नोट कर लिया। बोलो, कोई कन्फ्यूजन इसमें? तो ये पूरा हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, बायर गुड्स कब रिसीव करता है, उसके अकाउंट से पैसे कब डिडक्ट होते हैं, वो अपने अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री कब करता है, और इनवॉइस से 31st डे कौन सी आती है। ये चार एंट्रीज में से आपको सिलेक्ट करना होगा, दैट इज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, बस इसमें रिवर्स चार्ज वाले में यही सिचुएशन थी। 4 और 6 वाला भी हमने सबसेक्शन देख लिया। सबसेक्शन 5 मैंने आपको बोला था कि रेजिड्यूअल है, अगर कोई सिचुएशन इन 5 बाकी के सबसेक्शन में कवर ना हो तो फिर आप इसमें ले सकते हैं, और उसमें वो पेमेंट की डेट को ही उन्होंने कंसीडर किया हुआ, ठीक है, ये बोला हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 13 है, इसके बाद उस पर आ जाते हैं। कुछ बीच में सिचुएशंस दे रखी हैं, सेक्शन 31 भी आपको दिखेगा, लेकिन वो अभी नहीं कवर करना है, जब लास्ट में अपने पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, मैं सम्स के साथ ही आपको कवर कराऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा। सेक्शन 13 पे आ जाओ। अब देखो, 12 आपने अगर पढ़ लिया, उसके बाद 13 पढ़ना आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा, बिकॉज 12 और 13 दोनों सेक्शंस ना 1:1 सबसेक्शन वाइज कंपेयर होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 सबसेक्शंस हैं, 13 में भी सेम 6 सबसेक्शंस हैं, हेडिंग भी सबका सेम है। फर्स्ट वाला सबसेक्शन 12 वाले में कुछ काम का नहीं था, 13 में भी कुछ काम का नहीं है। सबसेक्शन 2 में हमने देखा नॉर्मल चार्ज, यहाँ पे भी नॉर्मल चार्ज, 3 में रिवर्स चार्ज, 4 में वाउचर, 5th रेजिड्यूअरी और 6th इंटरेस्ट वाला, एग्जैक्ट सेम है, तो उसके टाइटल सेम ही रहने वाले। फर्क क्या आ जाएगा, 12 सेक्शन में हमने देखा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और 13 में क्या आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। चलो 1:1 कंपेयर कर लेते हैं, कंडीशंस में कहाँ कहाँ पे फर्क आ रहा है। सबसेक्शन 2 सबसे पहले आप देख लो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर द नॉर्मल चार्ज। अब नॉर्मल चार्ज में या सर्विसेज की बात हो रही है, सर्विसेज में वो सब चीजें होंगी, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी, ये सब नहीं आने वाला है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसमें कोई फैक्ट्री से रिमूवल वाली बात तो होने वाली है नहीं। तो इसमें जब हम कंपेरिजन करेंगे तो अगेन बेसिक कंडीशन सेम रहने वाली, इनवॉइस वर्सेज पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब इनवॉइस की बात आएगी तो इनवॉइस पर जो स्टार मार्क था ना, जो अपन ने गुड्स में देखा कि गुड्स के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं रिमूवल कब हो रहा है, अवेलेबिलिटी कब हो रही है, यहाँ पे देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइड कब की जा रही है, तो क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जिस दिन मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी उसके कितने दिन में मुझे इनवॉइस इशू करना है। तो यहाँ पे ना आफ्टर अलाउड है, गुड्स में हम देख रहे थे ऑन और बिफोर, जिस दिन गुड्स रिमूव हुए उस दिन या उससे पहले मुझे आपको इनवॉइस इशू करके देना है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ बोला है सर्विस जब प्रोवाइड कर दी मैंने एक्चुअल में, उसके अगले 30 डेज में अगर मैं आपको इनवॉइस इशू करके दे देता हूँ तो दैट इज ओके। तो ड्यू डेट जो है ना वो आफ्टर में भी चलेगी, एडवांस में इशू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर कभी मैं आपको इनवॉइस इशू करके दे दूँ, दैट इज ओके, क्लियर। अब जैसे ये एग्जाम्पल था, अब मैं इसको डेट ऑफ इनवॉइस के बदले बना देता हूँ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मैंने आपको इस दिन सर्विस प्रोवाइड की है, तो इनवॉइस लास्ट डेट क्या होगी, कब तक मैं इनवॉइस इशू कर सकता हूँ, ड्यू डेट क्या होगी, 31st या 1st? 31st, आया है समझ में? ये 31st जुलाई जो है वो डेडलाइन है मेरे लिए कि मैं आपको इनवॉइस इशू करके दे दूँ। अगर इससे लेट हो गया तो फिर इनवॉइस की डेट फॉलो नहीं करेंगे हम, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस वो डेट फॉलो करेंगे। तो जब वहाँ पे था ना रिमूवल वर्सेज पेमेंट हो जाएगा, यहाँ प्रोविजन ऑफ सर्विस वर्सेज पेमेंट हो जाएगा,
सेम लाइन पे चल रहा है सेक्शन, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आया समझ में। तो इनवॉइस वर्सेस पेमेंट वाला ही क्राइटेरिया है, लेकिन इनवॉइस इशू करने के लिए जो ड्यू डेट है वो 30 डेज की रहेगी आफ्टर सर्विस, क्लियर। अब ये 30 डेज की जो टाइम लिमिट आपको बोली है वो कहाँ पे बोली है उसका रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। इट इज रूल नंबर 47 CGST एक्ट के साथ, CGST रूल्स हैं उसमें रूल नंबर 47 है जहाँ पे टाइम लिमिट दे रखी है। और इनवॉइस इशू करने का जो सेक्शन है जीएसटी में, दैट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 31। रेफरेंसेस हमेशा पता होने चाहिए कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो 31 सेक्शन जो है वो टैक्स इनवॉइस का सेक्शन है, ये बताता है कि भाई इनवॉइस कब कैसे इशू करना है, और जो इसकी टाइम लिमिट है वो साथ साथ में रूल 47 में दिए जो अपन बोल रहे हैं 30 डेज, क्लियर हुआ ही। तो 31 में ना आपको टाइम लिमिट लिख के नहीं दिए, 31 में सिर्फ इनवॉइस के बारे में बताया, 47 रूल में टाइम लिमिट लिखी है, तो हमें सिर्फ उसका रेफरेंस पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं। अब देखो ये जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताई 30 डेज की, ये नॉर्मल टाइम लिमिट है जो सबके लिए होती है। जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो मुझे सर्विस प्रोवाइड करने के या सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करने के 30 डेज में आपको इनवॉइस इशू करके देना पड़ेगा। यही अगर सर्विस प्रोवाइडर बैंकिंग बिजनेस में है, NBFC बिजनेस में है, या फिर इंश्योरेंस के बिजनेस में है, ये तीन नाम ले रहा हूँ, बैंकिंग, NBFC एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये तीनों एंटिटीज को इनवॉइस इशू करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो हो जाएगा 45 डेज। इनके लिए एक स्पेशल प्रिविलेज है, 30 के बदले 45 डेज। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन यहाँ पे होगी, आया समझ में। अब इनको ज़्यादा टाइम देना थोड़ा बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज में, बैंकिंग इंश्योरेंस सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे इन्वॉइसिंग होती रहती है, हर रोज नए क्लाइंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करते हैं, हर रोज उनको नए नए इन्वॉइसिस इशू किए जाते हैं, तो इनका ना ये जो पेपर वर्क होता है, जो वर्कलोड होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में ना उनको अलाउ किया जाना चाहिए कि थोड़ा एडिशनल टाइम अगर दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीड के हिसाब से टाइम लिमिट में वेरिएशन, आया समझ में। तो ये 45 डेज सिर्फ इन तीनों के लिए है, बाकी सबके लिए नॉर्मली कितना होता है 30 डेज। कोई क्वेरी यहाँ तक आ गया समझ में? चलो देख लो इसका थियरी में आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। 13 सबसेक्शन 2 में आप स्टार्टिंग में अगर उसके क्लॉजेस पढ़ोगे तो वही बेसिक इनवॉइस वर्सेस पेमेंट वाली बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन के नीचे एक नोट दे रखा है, वहाँ पे आपको रूल 47 मिल जाएगा, जो 30 डेज 45 डेज मैंने लिखा ना वो सारा वहाँ नोट में लिखा हुआ है, पेज 43 पे सब कुछ है, कंटेंट में एवरीथिंग इज रिटन, आपसे नोट कर लो, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ है उसमें, ठीक है। बैंकिंग और इंश्योरेंस बोला है, NBFC वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन बैंक्स के साथ यूजुअली कवर हो जाता है, तो अगर नहीं बोला है तो फिर अपने NBFC को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई किया नहीं, तो मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस ही रखता हूँ। NBFC अगर कहीं आएगा तो अपने देख लेंगे, उन्होंने अभी रूल में यही बोला है, तो अननेसेसरी ऐड नहीं करते, बैंक एंड इंश्योरेंस दो एंटिटीज, ठीक है। तो इनके लिए क्या बोला है 45 डेज, क्लियर। कोई क्वेरी यहाँ तक समझ आया पूरा? सेक्शन का रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, 13 सबसेक्शन 2 जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता है सर्विसेज में, उसमें जब भी इनवॉइस की बात आती है चाहे वो गुड्स हो या सर्विस, टैक्स इनवॉइस का सेक्शन ही है सेक्शन 31। सेक्शन 31 के साथ साथ आता है रूल 47, जिसके अंदर ये दोनों टाइम लिमिट्स आपको दे रखी है। MCQ में वो सेक्शन और रूल का रेफरेंस भी तो पूछ ही सकते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें कहाँ मेंशन की हुई है। अब बात करते हैं इसके अंदर के प्रोविजो की, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज गुड्स में सिचुएशन अलग थी, सर्विसेज में सिचुएशन अलग है। गुड्स के केस में हमने क्या देखा था, वो एडवांस वाला पॉइंट आपको ध्यान में हो गई, नोटिफिकेशन था, मैंने वहाँ बोला कि भाई गुड्स के केस में हर सप्लायर एडवांस पे ही काम करता है, बिना एडवांस के वो ऑर्डर नहीं लेगा, बिकॉज बाद में आप अगर ऑर्डर रिसीव नहीं करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो जो 1000 रुपीज़ का एडवांस वाला पॉइंट हम देख रहे थे, वो फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने वो प्रोविजो वहाँ कैंसिल कर दिया और बोला ठीक है गुड्स के केस में हमें पता है कि एडवांस तो लोग लेते ही हैं, तो सिर्फ 1000 रुपीज़ अलाउ करना विदाउट स्पेशल इनवॉइस वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा, बिकॉज उनको दो दो बार इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। तो चलो गुड्स के केस में नोटिफिकेशन निकाल दिया 66 नंबर का 2017 में, लेकिन सर्विसेज में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि पब्लिक का आर्ग्यूमेंट क्या था, गुड्स में प्रॉब्लम होती है, डिपार्टमेंट ने बोला सर्विस में तो ऐसा नहीं होता ना, सर्विस में तो कोई आपका रॉ मटेरियल लग नहीं रहा है कि आपने गुड्स बनाने शुरू कर दिए, कस्टमर आया नहीं, नुकसान हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्विसेज के केस में अगर आप एडवांस पेमेंट रिसीव करते हो तो वहाँ हम आपको 1000 रुपीज़ तक ही इनवॉइस फ्री अलाउ करेंगे। तो 1000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने एडवांस अपने कस्टमर से ले लिया तो उस सिचुएशन में आपको उस पर GST साथ में कलेक्ट करना पड़ेगा और उसका इनवॉइस अलग से बना के देना पड़ेगा, और बैलेंस पेमेंट जब मिलेगा उसका इनवॉइस वापस से अलग से बनाना और उस पर GST तब ले लेना। यहाँ पे हम आपको इतना और रिलीफ नहीं दे सकते, तो वो नोटिफिकेशन सिर्फ गुड्स के लिए था, वो मैंने आपको तभी भी बोला था, अभी वापस से वो आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि सर्विसेज वाले पार्ट में नोटिफिकेशन 66 एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, सिंपल हो गया। अब ये सर्विस में एडवांस वाला पॉइंट कहीं पे भी आ सकता है, इवन
पेमेंट के टाइम पे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल का बिल होता है, पोस्टपेड बिल आता है, अपने तो यूजुअली प्रीपेड ही यूज करते हैं सब लोग, रिचार्ज करा लिया, लेकिन कॉर्पोरेट में या जहां पे बिल का खर्चा क्लेम करना है बहुत लोग पोस्टपेड कनेक्शन यूज करते हैं कि आप पूरा महीना यूज कर लो फिर लास्ट में बिल आएगा। अब वो बिल जब आता है, सपोज ऐसा है कि कंबाइंड बिल आ रहा है और ऑफिस के स्टाफ का और सबका मिला के आप एक साथ पे कर रहे हो, बड़ा अमाउंट है, या आपका कॉलिंग उतना है कि रेगुलरली मंथली बिल अच्छा खासा आता है। अब इसमें ये हुआ कि आपका कुछ अमाउंट आया 18,500 या ऐसा कुछ, आपने कितने लोगों को हैबिट होती है राउंड फिगर करके भर देते हैं, 19,000 भर दिया या 20,000 भर दिया, सपोज ऐसा कुछ है, तो आपने ना 1,500 रुपये एडवांस दे दिया, मतलब पेमेंट करना था 18,500, आपने चेक बना के दे दिया 20,000 रुपये का, तो 1,500 एडवांस हो गया। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ के बिल में सेटल हो जाएगा, तो अगर दे भी दिया राउंड फिगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने वैसे पे किया। अभी जो 1,500 का एडवांस है उसमें ये प्रोविजो बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये एडवांस 1,000 रुपये से ज़्यादा है, वो जो मोबाइल कंपनी है उसके लिए ऑब्लिगेशन बन गया कि उसको इसका इनवॉइस अलग से बनाना पड़ेगा अभी इमीडिएटली रिसिप्ट बेसिस पे, और इसका जीएसटी डिपार्टमेंट को नेक्स्ट मंथ में सबमिट करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने 1,500 टोटल पे कर दिया सरप्लस, अब देखो बिलिंग कैसे हुआ होगा, मोबाइल बिल में भी तो जीएसटी लगता ही होगा, ठीक है। अब ये जो 18,500 का जो बिल आया था, ये सिर्फ चार्जेस है या चार्जेस प्लस जीएसटी है? ये तो चार्जेस प्लस जीएसटी रहा होगा ना, इसमें आपका कुछ भी एक अमाउंट जो होगा वो आपने जो यूज किया उसका जो बिल आया होगा, और दूसरा अमाउंट जो है वो उन्होंने जीएसटी चार्ज किया होगा, तो ये 18,500 तो विद जीएसटी है ना, जो फाइनली उन्होंने बोला था कि इतना आपको पे करना है, आपने इसके बदले पेमेंट कितना कर दिया 20,000। अब ये जो डिफरेंस का 1,500 आपने एडवांस या एक्स्ट्रा पे कर दिया, ये 1,500 के लिए उनको अलग इन्वॉइस बनाना पड़ेगा, तो अब वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि 1,500 पे जीएसटी भी भरो। अब एज अ कस्टमर आप बोलोगे यार एक तो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो भी एक महीना जल्दी, अब उसमें 1,500 रुपये अलग से जीएसटी भी भरो, तो इससे तो बेटर है मैं 18,500 भर देता, मुसीबत ही नहीं होती। तो ये 1,500 पे कस्टमर अलग से जीएसटी देगा नहीं, तो डिपार्टमेंट जो कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस बनाते टाइम इसके दो पार्ट्स करने पड़ेंगे। हो सकता है ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन, मान लेते हैं कि भाई टेलीकॉम सर्विसेज पे 12% जीएसटी, अज्यूम कर लेते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट रेट ध्यान नहीं, 12% जीएसटी मान लेते हैं, तो ये 1,500 जो है ना उसको कैसे गिना जाएगा पता है कि बोले दिस इज 112, ऐसे गिन के रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर 100 रुपये जो है वो सर्विसेज का चार्ज है और 12 रुपये जो है वो जीएसटी है। हो सकता है ऐसा बाइफरकेशन, एक बार काउंट करके बताओ ना कितना आएगा, ये 12% कितना होगा और 100 कितना होगा, ये गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, क्योंकि ये भी गिनना आना चाहिए ना आपको। 1,500 रुपीज़ में 12% जीएसटी अगर इंक्लूडेड है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो कितना है वो जीएसटी का अमाउंट, 180, यही सुनना था मुझे, इसलिए बोला गिनने के लिए, नहीं 180 नहीं आएगा, 1,500 रुपीज़, इसके अंदर एक अमाउंट और दूसरा जीएसटी का, मतलब इसमें 100 रुपीज़ सर्विस का है तो 12 रुपये जीएसटी का है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एट 112, तो ये 12% कितना हुआ एब्सोल्यूट टर्म्स में, 160.71। और कोई आंसर किसी का, एक 180 बोला आपने, एक 160 पॉइंट समथिंग बोला, और कोई तीसरा आंसर, या इसमें से कोई एक है, बोल रहा हूँ साइलेंट करो फिर भी फोन बजा रहे हो, किसका है, चलो ध्यान दो, हाँ क्या आ रहा है, 160 या 180, 180 वाला सही है क्या, वो तो अलग से चार्ज करते तो होता ना, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड बोल रहा हूँ। इंक्लूडेड वाले में आपको आइडियली कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए था, 1,500 × 12 / 112, ये समझ आए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1,500 जो है ना ये 112 है, तो मुझे बताओ ये 12 वाला पोर्शन कितना है, सिंपल वो रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये वाला पोर्शन अगर आपको गिनना है तो 1,500 × 100 / 112, और ये हो जाएगा 1,500 × 12 / 112, तो ये कितना अमाउंट आ रहा है, 160, समझ आए। और बाकी का जो डिफरेंस है 1,500 माइनस दिस, वो यही वाला अमाउंट होगा, कितना हो रहा है, 1,500। अब आपने जो 1,500 रुपये एडवांस दिए ना, वो मोबाइल कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा जिसमें वो बताएंगे कि भाई हमने अपनी सर्विसेज के लिए जो चार्ज किया वो ये है, और इतना कस्टमर ने जीएसटी पे किया, टोटल इनवॉइस बना 1,500 रुपये का। तो ये इनवॉइस उनको जनरेट करके आपको भेजना पड़ेगा, और ये जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ में सबमिट करवाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। आया समझ में? अब ये जो भी है अपने तो बिल में अगले महीने एडजस्ट हो ही जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी क्या करना है वो चीज़ आपके सामने। लेकिन यही एडवांस जो आपने पे किया ना 1,500 रुपीज़, ये अगर ऐसा होता कि 18,500 के बदले आपने 19,000 पे कर दिया होता, तो फिर इसका इफेक्ट क्या होता, 18,500 तो चलो अलग हिसाब है, उसका तो बिल बना हुआ था ही,
ये जो 500 जो एडवांस वाली कंडीशन है, क्या इसके लिए ऐसा कोई इनवॉइस बनाने की जरूरत थी, क्या ऐसा कैलकुलेशन करना था? नहीं, बोला कि अगली बार अगले महीने जब कस्टमर को बिल भेजोगे उसमें ये 500 रुपीज फुल एडवांस के तौर पे कंसिडर कर लेना और फिर जो जीएसटी तब पे करना होगा तभी पे कर देना, तो अभी इस पर कोई भी अलग से आपको ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं। आया अभी समझ में? तो ये एडवांस वाली सिचुएशन सर्विसेज के केस में इस तरीके से काम करती है। बोलो कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर? ये कैलकुलेशन पता चल गया ना, इसको आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं, इंक्लूसिव या आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं। अब यही मैं बोलता कि 1500 रुपये एडवांस पे कस्टमर को बोलो अलग से 12% जीएसटी भरे तो फिर आता 180, फिर टोटल हो जाता 1680, बट वो ऑलरेडी 1500 आपको पे कर चुका है, अब थोड़ी अलग से 180 पे करने आएगा। वो बोलेगा दे दिया ना एडवांस, इसमें से कर लो जो करना है, तो अपने को ये करना पड़ेगा बाइफर्केशन, फर्क आएगा ना? ये 160 आ रहा है और ऊपर से गिनेंगे अलग से तो 180 आएगा, वो होना ही है, बेस ही चेंज हो गया ना। 1500 को अगर आप 100 रुपये मान रहे हो उस पर 12% चार्ज कर रहे हो तो 180 होगा, लेकिन 1500 को आप 112 मान रहे हो तो उसके अंदर जो जीएसटी का पोर्शन है वो 180 थोड़ी ना होगा, तो 160 होगा। समझ आया? वो कैलकुलेशन में फर्क पड़ने वाला। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पे एडवांस में ऐसे काम करती है। तो अब वो पूरा कंपैरिजन हो गया गुड्स के केस में एडवांस वाले का इफेक्ट कैसा, सर्विसेज के केस में कैसा। आ गया समझ में? चलो तो ये कंप्लीट, आगे बढ़े। प्रोविजो कवर हो गया। एक्सप्लेनेशन में डेट ऑफ पेमेंट की बात की है, वो सेम है, डेट ऑफ पेमेंट में वही कंडीशन है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना, दोनों में से विचएवर इज अर्लियर, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं। इनवॉइस में डिफरेंस था वो हमने देख लिया। 13 सबसेक्शन 2 आपका कंप्लीट। सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे भी कंडीशंस जो है वही डायरेक्टली देख लेते हैं। पेज 45 पे जो वो उसका चार्ट दे रखा है या इमेज दे रखी है उसी में आप डेट्स देख लो, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की मैंने आपको, लेकिन आप जीएसटी मुझे पे नहीं करोगे, जाके डायरेक्टली डिपार्टमेंट में सबमिट कर रहे हो, तो कौन सी डेट्स रेफर करें फॉर टाइम ऑफ सप्लाई? तो बोला डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपियंट ऑफ सर्विस, सेम हो गया ना, बायर जहाँ पे था वो बायर ही वही वही चीज़ है। नेक्स्ट एंट्री भी सेम है, आपके अकाउंट से जब पैसा डेबिट हुआ तो वो भी सेम डेट होगी जो अपन ने अभी 12 सबसेक्शन 3 में देखी। अब इसमें वहाँ पे 4 एंट्री थी 12 सबसेक्शन 3 में, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, जिस दिन आपके बैंक से पैसे डेबिट हुए, जिस दिन आपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री की, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 4 थी। इसमें 3 है, पहली एंट्री गायब हो गई क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में गुड्स रिसीव करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ सर्विसेज रिसीव की है। अब सर्विसेज रिसीव करने की एक्चुअल डेट ना डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेट कर पाना थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इट इज इनटेंजिबल, वो टेंजिबल नहीं है, तो उन्होंने वो कंडीशन ही हटा दी। तो फर्स्ट कंडीशन गायब, सेकेंड और थर्ड कंडीशन सेम, और जो फोर्थ कंडीशन थी 31st डे वाली उसको यहाँ पे क्या बना दिया, 61st, तो 31st का 61st हो गया, बाकी उसका फॉर्मेट सेम ही। ठीक है, तो यहाँ 3 कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। डन, समझ आ गया? चलो तो ये 3 कंडीशन कंप्लीट। इसमें एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला पॉइंट नीचे आपको दिखेगा, बट वो अभी नहीं, उसमें सम्स करवाऊंगा ना तब कैलकुलेट करवाऊंगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। सबसेक्शन 4 एग्जैक्टली सेम। अब जैसे गिफ्ट वाउचर की हम बात कर रहे थे तो वो गुड्स के लिए था, सर्विसेज के लिए भी गिफ्ट वाउचर हो सकता है क्या? पॉसिबल है। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए भी गिफ्ट वाउचर हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। अब इसमें भी ऐसा होगा कि भाई सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर वाउचर इशू कर रहा है उसके यहाँ भी मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है। जैसे पार्लर का एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं, भाई हेयर कटिंग कराना है, हेयर कलर कराना है और आपको सर्विसेज अवेल करनी है, तो उन्होंने एक जनरल वाउचर दे दिया कि इससे जो भी आएगा रिडीम करने उसको हमारी वेरियस सर्विसेज में से जो भी अवेल करना है वो कर सकता है। तो अगेन ये चीज़ अभी आइडेंटिफाइएबल नहीं है कि जो रिडीम करने आएगा वो क्या सर्विस यूज़ करेगा, तो तभी टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे, अभी से करने की जरूरत नहीं। लेकिन स्पेसिफिक वाउचर है कि आप इसे हेयर कलर करा सकते हो और कुछ नहीं करा सकते, तो एट द टाइम ऑफ इशू इट इज़ आइडेंटिफाइएबल, तो वही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो सेम लॉजिक एग्जैक्टली जो 12-4 में देखा वही 13-4 में भी कवर हो रहा है। क्लियर? 13-5 भी पूरा सेम और 13-6 भी सेम, एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं इसके अंदर। तो मेजर जो डिफरेंस था वो 2 और 3 में ही था कंडीशंस का, बाकी का पूरा सेक्शन ही सेम है। तो देखो जितना डिटेल्ड या जितना सारा दिख रहा है कंटेंट वो अपने आप कट डाउन हो गया, आपको 100 में से 60% ही पढ़ना है, बाकी 40% तो रिपीटेशन है, वो लास्ट डे पे भी रिवाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप टाइम सेव कर सकते हो वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14, ये भी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, क्या सिचुएशन आ रही है इसमें समझ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कैलकुलेशन में डेफिनेटली एमसीक्यू के फॉर्म में वो कुछ ना कुछ इसमें से पूछ सकते हैं। चलो ध्यान देना, सेक्शन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14 में एक बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन, एक कॉमन प्रॉब्लम जो बार बार जीएसटी में आ सकती है असेसी को भी और डिपार्टमेंट को भी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक सॉल्यूशन देने की उन्होंने कोशिश की है।
हमने देखा था कि किसी भी जीएसटी वाले ट्रांजेक्शन में जो एक्टिविटीज होती है, हमने देखा तीन एक्टिविटीज होती है। तीन एक्टिविटीज में कौन सी? एक तो सप्लाई, दूसरा इनवॉइस इशू करना और तीसरा पेमेंट रिसीव करना। ठीक है, तीन एक्टिविटीज होती है। अब ये तीनों एक्टिविटीज सेम डे पे होंगी ऐसा जरूरी है कि नहीं? तो हमने देख ही लिया कि अलग अलग डेट्स पे ट्रांजेक्शन होते हैं। इन बिटवीन दिस ट्रांजेक्शन या इन बिटवीन दीज थ्री एक्टिविटीज ऐसा हो सकता है कि किसी भी डेट पे सडनली जीएसटी के रेट्स चेंज हो जाए? पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, आपको सिस्टम पता है, काउंसिल की मीटिंग होती है, काउंसिल की मीटिंग में डिसीजन होता है, वोटिंग होती है, और आज रात 12 बजे से या कल से रेट चेंज इमिडिएटली चेंज हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अब आपका ट्रांजेक्शन मिडवे था, मतलब आपने सप्लाई कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, पेमेंट आना बाकी है, सप्लाई कर दिया, पेमेंट आ गया, इनवॉइस इशू करना बाकी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन ट्रांजेक्शन्स के बीच में अचानक से रेट चेंज हो गया, अब कन्फ्यूजन आ गया एसएससी को, मतलब पुराना रेट लगाऊं कि नया रेट लगाऊं, 5 का 12 हो गया, 12 का 5 हो गया, 5 का 18 हो गया, कुछ भी रेट चेंज हो सकता है ना, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो बोले कौन सा रेट लगाया, पुराना वाला रेट या नया रेट? तो दोनों ने डिसाइड किया, बायर सेलर ने, विच एवर इज लेस, अपना भी फायदा उसी में, डिपार्टमेंट विच एवर इज अर्लियर पे चलता है तो अपने विच एवर इज लेस पे चलेंगे। बट ऐसा अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट को हमेशा मिनिमम रेवेन्यू मिलेगा, जो हो सकता है कि कंसेप्चुअली ठीक ना हो। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है एक सेक्शन बना के इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। वही सोल्यूशन यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 14 में निकाला कि करना क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तीन क्राइटेरिया है या तीन वेरिएबल्स है, एक सप्लाई, दूसरा इनवॉइस और तीसरा पेमेंट, तीन अलग अलग एक्टिविटीज। अब आप कभी भी कंपेरिजन कर रहे हो तो एक टेबुलर फॉर्मेट में भी आप कंपेयर करोगे तो तीन वेरिएबल्स को एट ए टाइम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कंपेरिजन तो दो वेरिएबल्स में हो सकता है ना, कि भाई कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, तो क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं और एट ए टाइम तीनों कंपेयर नहीं हो सकते। ऑप्शन एक ही है कि हम किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें, मैथ्स में होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो किसी एक वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट बना दें तो बाकी दोनों के वेरिएशंस को फिर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल में आपको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन सेक्शन में, उन्होंने वही किया हुआ है। पहले क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई है ना इसको टारगेट किया, बोला एक काम करते हैं पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि जो सप्लाई है जिस दिन रेट चेंज हुआ उसके पहले हो गया था या सप्लाई बाद में हुआ, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर बाकी की दो चीज़ों में बिफोर आफ्टर वाला ऑप्शन लगा के देख लेंगे। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये तीनों के बीच में कहीं ना कहीं रेट चेंज हुआ है, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले कुछ डेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सी डेट पे रेट चेंज हुआ, पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है, वो पहले फिक्स कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको और ईजिली समझ में आएंगी। डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स या जीएसटी, ठीक है, ये डेट अज्यूम कर रहे हैं, जैसे 1 जुलाई ले लेते तो वही डेट रखते हैं। ठीक है, इस दिन पे जीएसटी का रेट चेंज हो गया, जो ओल्ड रेट था एग्जिस्टिंग रेट वो था 5% और जो न्यू रेट है ऑब्वियसली जीएसटी बढ़ी रहा है 12% ले लेते हैं, तो 5% से जीएसटी कितना हो गया 12%, किस दिन से इफेक्टिवली अप्लाई हुआ 1 जुलाई से। अब अपना ये सब ट्रांजेक्शन जो है ना इसी डेट के नियर अबाउट चल रहा था, तो एक अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई है वो 1 जुलाई से पहले हो चुका था, एक अजम्पशन पे तो चलना ही पड़ेगा तो बाकी की पॉसिबिलिटीज फिक्स होंगी। तो जो सप्लाई वाली डेट है वो अपने यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं कि इट इज़ डन बिफोर, बिफोर का मतलब इस डेट से पहले, कोई भी डेट आप मान लो 25 जून मान लेते, सप्लाई इस दिन हो चुका है बिफोर, अब वो 25th हो 27th हो 28th हो फर्क नहीं पड़ता, 1 जुलाई से एटलीस्ट एक दिन पहले होनी चाहिए, उतना इनफ है। अब बाकी दोनों डेट्स का क्या, जैसे अपने बात कर रहे हैं इनवॉइस की और बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ये दो डेट्स में से कोई भी बिफोर कोई भी आफ्टर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इनवॉइस पहले इशू हो गया हो, पेमेंट आना बाकी हो, हो सकता है कि पेमेंट पहले आ चुका हो, इनवॉइस इशू करना बाकी हो, या फिर अदर कंडीशंस भी पॉसिबल है कि दोनों ही चीज़ें पेंडिंग थी दोनों बाद में हो। तो यही सारी पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे हमें कंसिडर करना है और हर एक केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे वो देखना, एक एक करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट सिचुएशन अपने ऐसी अज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे इनवॉइस इशू करना बाकी था, जैसे ये डेट थी ना 1 जुलाई, तो आपका इनवॉइस जो इशू हुआ वो 3 जुलाई को हुआ और जो पेमेंट आया वो आया 10 जुलाई को, ऐसा मान लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि इनवॉइस वॉज इशूड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स एंड पेमेंट वॉज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। ये आ गया समझ में, एग्जाम्पल और कंडीशन दोनों साथ में बता रहा हूँ। तो देखो सप्लाई बिफोर हो चुका है, ये अजम्पशन हमने पहले ही ले लिया, इनवॉइस का भी इशू हुआ चेंज होने के बाद, पेमेंट का भी रिसीव हुआ रेट चेंज होने के बाद। अब ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको टाइम ऑफ सप्लाई जो अज्यूम करना है, दैट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी विच एवर इज अर्लियर, इधर लिख देता हूँ, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर मतलब इन दोनों में से, तो क्या आएगा टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में? इनवॉइस। आ गया समझ में, दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। अब जब टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो ही गया है तो जीएसटी का रेट भी डिसाइड कर लें,
कि कितना जीएसटी में आपसे चार्ज करूं इस ट्रांजेक्शन पे, 5% या 12%, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 12% क्यों ऐसा? ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये देखो कि इस दिन पे जीएसटी का कौन सा रेट एप्लीकेबल था, 12%, क्योंकि एक तारीख से रेट चेंज हो चुका है। तो अब जो मैं आपको इनवॉइस इशू करके दिया है ना, ये वाला, मुझे उसमें जो आपसे जीएसटी का रेट चार्ज करना चाहिए, दैट विल बी न्यू रेट एंड इट इज 12%। आया समझ में? सिचुएशन क्लियर? दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला है, पॉसिबिलिटीज पे हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक सिनारियो है, ऐसी और भी सिचुएशन हो सकती है जो हमें कंप्लीट करनी। तो सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं। अब इसमें अजम्पशन अपने ऐसा लेते हैं, ये तो फिक्स रहेगा, सप्लाई तो ऑलरेडी हो चुका है, इनवॉइस और पेमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो गया था, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बिफोर, बिफोर मतलब इस डेट से पहले, 30 जून रख लेते हैं, ठीक है, इस डेट पे इनवॉइस इशू हुआ। पेमेंट वाले केस में आफ्टर वाली कंडीशन लेते हैं, पेमेंट जो आया वो 5 जुलाई को आया। आया समझ में? अब अगर ये सिचुएशन है, देखो सप्लाई ऑलरेडी हो गया था, इनवॉइस जो है वो भी इशू हो गया था, लेकिन पेमेंट आना बाकी था, और इन दोनों डेट्स के बीच में कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट एकदम से चेंज हो गया। अब 5% जीएसटी लगाऊं या 12% जीएसटी लगाऊं, ये क्लियर नहीं है। तो टाइम ऑफ सप्लाई का ये जो सेक्शन 14 है, ये बोलता है कि इस सिचुएशन में द डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई। डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी थी? ये वाली। तो ये डेट आएगी, ये सेक्शन बोल रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन में आपको डेट ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। अब आप ही बताओ कि इस डेट पे रेट कौन सा चल रहा था, ओल्ड रेट या न्यू रेट? ओल्ड रेट। तो सिचुएशन में ओल्ड रेट के हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए कितना? 5%। और ये लॉजिकल भी है ना, जब इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो गया था तो इनवॉइस बनाते टाइम पर 5% का रेट चल रहा था, तो इनवॉइस बनाने वाले ने वही रेट पे जीएसटी लगाया होगा ना, उसको क्या पता अभी 2 दिन बाद मीटिंग होगी और रेट चेंज हो जाएंगे, तो उसने तो अपने हिसाब से इनवॉइस बना दिया, तो लॉजिकल है कि ऐसे होना चाहिए। आया समझ में? ये सेकंड पॉसिबिलिटी, वैसी थर्ड पॉसिबिलिटी भी आएगी इसमें, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ और पेमेंट बिफोर, पेमेंट ऑलरेडी आ गया था। इसमें भी डेट रिज्यूम कर लेते हैं, 4 जुलाई ले लेते, इनवॉइस 4 जुलाई को इशू हुआ, और क्योंकि पेमेंट पहले ही आ गया था, 1 जुलाई से पहले की डेट 30 जुलाई। क्लियर है? ठीक है, अब इस सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई जो अज्यूम करने के लिए बोला गया है, दैट इज द डेट ऑफ पेमेंट, और वो हो जाएगी 30 जून, और उस दिन रेट क्या चल रहा था? 5%, दैट इज द ओल्ड रेट, तो 5% पे जीएसटी पे करना। आ गया समझ में? ये भी लॉजिकल है, 30 जून को पेमेंट करते टाइम पेमेंट करने वाले को भी यही पता था कि 5% रेट है, तो उसने पैसे भिजवाए भी होंगे तो 5% जीएसटी के साथ ही भेजे होंगे ना, तो ओल्ड रेट रहने तो वो सही। क्लियर हो गया? अब इसको ना याद करने का एक शॉर्टकट तरीका भी, एक लॉजिक भी अपने लगा सकते हैं, वो भी देख लो। याद करने के लिए सिचुएशन है, सप्लाई आपने क्या अज्यूम किया? बिफोर। मैं बिफोर आफ्टर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सप्लाई जो है वो बिफोर अज्यूम कर लिया था, इनवॉइस और पेमेंट में हमने लिया आफ्टर आफ्टर। अच्छा, इसमें एक और कॉम्बिनेशन आ सकता है, बिफोर बिफोर वाला आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है ना, मतलब सप्लाई भी हो चुका है, इनवॉइस भी इशू हो चुका है, पेमेंट भी इशू हो चुका है, पेमेंट भी कर दिया, तो अब क्या फर्क पड़ता है रेट चेंज होने से? जब ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गया, तीनों एक्टिविटी हो गई, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल ही नहीं है। सेक्शन 14 तभी आ रहा है जब इसमें ये सब चीजें चल रही थी और इन बिटवीन रेट चेंज हुआ। आया समझ में? तो इसलिए वो बिफोर बिफोर वाला कॉम्बिनेशन तो यहाँ सेंस रखता ही नहीं, अपने उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ बिफोर है तो ऑब्वियसली यहाँ आफ्टर आफ्टर ही आएगा, ऑपोजिट आएगा, और अगर दोनों ही आफ्टर है तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? विच एवर इज अर्लियर। फिर अब रेट तो नया ही लगने वाला है, तो जितना जल्दी हमें पैसा मिल जाए उतना अच्छा है ना, तो इसलिए इन दोनों में से क्या बोल दिया उन्होंने? विच एवर इज अर्लियर, और गारंटी इसमें न्यू रेट ही आने वाला है। अब देखो उल्टा भी हो सकता था ना, 5% के बदले 5% रेट हो गया, ये भी तो हो ही सकता था। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे जब रेट की बात कर रहा है, तो वो रेट में विच एवर इज हायर लोअर पे नहीं चल रहा है, वो कंसेप्ट पे चल रहा है कि लॉजिकली क्या सही है। अब उसमें हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आते आते अगर 12 का 5 हो गया तो आपका फायदा भी हो सकता है, और 5 का 12 हो गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर्स, उसमें हायर लोअर का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? सेकेंड कॉम्बिनेशन में आप देखो, सप्लाई इज डन बिफोर, इनवॉइस इज इशूड बिफोर, एंड पेमेंट इज डन आफ्टर, तो सिलेक्ट कौन सा हो रहा है पता है? बिफोर वाला। ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ऊपर बिफोर अज्यूम किया ना, तो दोनों आफ्टर आफ्टर है, मतलब ऑपोजिट है, तो विच एवर इज अर्लियर ही आना है। ऊपर बिफोर अज्यूम किया तो जो ऑपोजिट्स हैं, बिफोर आफ्टर आफ्टर बिफोर, उसमें सिलेक्ट कौन सा हो रहा है? बिफोर वाला। देखो यहाँ पे भी देख लो, सही है, यही सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आपको पूरा टेबल ऐसे याद हो जाएगा कि आप खुद भी बना सकते हो, आपको एक एक एंट्री वैसे सोचने की जरूरत ही नहीं। एग्जाम में अगर आप खुद भी पूरा ड्रॉ करना चाहोगे ना, तो विद इन 30 सेकंड्स वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका लॉजिक समझ आ गया। क्लियर हुआ, ये पता चला? ठीक है, अब ये देखो मैंने नोट्स में आपको ये टेबल दिया हुआ है ऑलरेडी, पेज 49 पे अगर आप फर्स्ट टेबल देखोगे ना,
उसमें बात लिखी हुई है। वो टेबल के ऊपर ना सिर्फ प्रोविजन और टैक्सेबल सर्विस लिख दिया है, तो सर्विस से कंफ्यूज मत हो ना, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों ही आना चाहिए। आगे जब सेक्शन पढ़ रहे ओरिजिनल सेक्शन 14, तो उसके टाइटल में दोनों चीज क्लियर की है कि भाई ये सेक्शन गुड्स में भी एप्लीकेबल है और सर्विसेज में भी एप्लीकेबल है। वो टेबल बनाते टाइम ऊपर ना हेडिंग में मैंने सिर्फ टैक्सेबल सर्विस लिख दिया, तो दैट इज जस्ट अ करेक्शन, आप कर दो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। फिर घर जाके पढ़ोगे डाउट आएगा, बोले सर इसमें खाली सर्विस लिखा है तो ये सेक्शन गुड्स के केस में एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल एप्लीकेबल है, दोनों सेक्शन 12 और 13 दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। देखो पहला टेबल वही है जो अपन ने बनाया, कंप्लीट पूरा समझ आ गया। अब ऐसे दूसरा टेबल रहेगा, टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, 3 हमने कवर कर लिए, अब बाकी के 3 देखने। अजम्पशंस चेंज कर देते हैं ना, आप बताना क्या होना चाहिए फिर। सप्लाई को पहले बना देते हैं आफ्टर अजम्पशन, जो बेसिक था मतलब ये कंडीशन को अपन ने स्टैटिक कर दिया, फिक्स कर दिया, डेट कुछ भी हो मैटर नहीं करता, बट अगर यहाँ आफ्टर है तो यहाँ क्या आएगा? बिफोर आएगा ना, तो ये भी चेंज हो जाएगा। डेट्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको कंसेप्ट पता है तो चलेगा भाई। ये भी बिफोर हो गया, ये भी बिफोर, क्या सिलेक्ट होगा दोनों में से? विच एवर इज अर्लियर, सेम ही लॉजिक रहने वाला है। रेट कौन सा आएगा? ओल्ड रेट है ना, बिफोर है ना दोनों, ये दोनों चीजें इसके पहले हो रही थी। इनमें से जो भी सिलेक्ट होगा उस दिन तो ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल होगा, तो ओल्ड रेट जो भी रहेगा वही आएगा। आया समझ में? अब ये वाले कॉम्बिनेशन में जैसे एक बिफोर और एक आफ्टर, कौन सा सिलेक्ट होगा? आफ्टर, क्योंकि ये आफ्टर है ना यहाँ पे, तो ये वाला सिलेक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब उस दिन रेट कौन सा लगेगा? न्यू वाला। तो ये जो ओल्ड रेट था इसके बदले कौन सा आ गया? न्यू। यहाँ पे भी आफ्टर वाला ही सिलेक्ट होगा, बिफोर वाला नहीं होगा, तो ये डेट सिलेक्ट हो जाएगी, ये डेट ऑफ पेमेंट के बदले इनवॉइस हो जाएगा, और यहाँ पे रेट कौन सा लग जाएगा? न्यू। आ गया समझ में? आपको पूरा टेबल ऑल 6 कॉम्बिनेशन आपको याद हो गए। अब ये 6 कॉम्बिनेशन मतलब 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन की वो डेट्स आपको एमसीक्यू में दे देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकाल के बताना होगा और रेट बताना होगा कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड या न्यू। आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, तो सेक्शन 14 में देख लो, सेकंड टेबल भी अपना कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी, एक बार आप टेबल पूरे दोनों टेबल एक बार रेफर कर लो, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, सेक्शन में जितना बताना था मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब एग्जाम के लिए ना आपको पेज 48 पे जो वो कंडीशंस दे रखी है वो आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वही 6 पॉसिबिलिटीज हमने टेबल में देख ली, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स है। तो 14 का क्लॉज ए, उसमें 3 कंडीशंस, क्लॉज बी में 3 कंडीशंस, वही हमने देखी, 3 बिफोर वाली 3 आफ्टर वाली, खत्म हो गई। तो कोई एक चीज़ आप रिवाइज कर लोगे तो इनफ है, टेबल से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट 14 वाला क्लियर हुआ। इसमें एक और भी कंडीशन है जो टेबल के नीचे आपको दिख रहा है ना, 4 वर्किंग डेज वाला कुछ लिखा हुआ है, वो एक पॉइंट है, लेकिन मैं उसको आज नहीं ले रहा हूँ, फिर वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। पहले बेसिक कंडीशंस क्लियर हो जाए ना, फिर अपने उस पर जाएंगे, सम्स के साथ तो चलेगा।